नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक जिले के गांव खरेटे के विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष की ओर से मारपीट का मामला सामने आया है। विवाहिता ने बताया कि उसके पति, सास ससुर और जेठ जेठानी ने मारपीट की है और जान से मारने की कोशिश की है। पीड़िता ने बताया कि 2017 में उसकी शादी खरेटी गांव में हुई थी और कुछ दिन बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसके पति और उसकी जिठानी के अवैध संबंध थे, जिसकी वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग की गई थी। उसके पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की और गुप्तांग में अप्राकृतिक घटना की, जिससे पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे आज पीड़िता के परिजनों ने महम लघु सचिवालय में डीएसपी शमशेर सिंह से मिलने आए और लाखन माजरा पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी को उसके पति और सास ससुर और जेठ जेठानी ने मारने की कोशिश की है। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इस मामले में महम डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। छत पर नंगी करकन और घसड़ेट गई सारी छत पर के, और उस दिन वो आया गलत संबंध बनाने खातिर या थोड़ी नाट गई, तो उसने जबरदस्ती इसकी सलवार पकड़ के खींच ली और पाट गई, तो उसने शरीर में हाथ दे दिया छोरी का, तो छोरी रोने लगी कहना बैठ का, तो उसके हाथ ना लागण दिया, तो उन्होंने रुके मार के और अपनी मार भाई बीर बुला लिए तले, तो भाई वो बाजे आए हूँ ना कहने मानत इस छोरी के पाँ पकड़ लिए और भाई ने हाथ पकड़ लिए और भाभी ने यह बोलने की कोशिश करे थी, इसका मुंह दबा लिया और वो पेट के ऊपर बैठ कर छोरी का गला दबा दिया मरी का, दोनों हाथा गे लिया आदमी ने इसके ने। तो अब की कार्रवाई चाहो आप? हम कार्रवाई हम सख्त करवाना चाहवा, इंसाफ चाहवा अपनी बेटी का। कौन कौन दोषी कौन है इसमें? कौन कौन है? इसकी सास, जेठ जेठानी और इसका हस्बैंड चार। इसका फोन आया रात ने 10:30 बजे, इसके हस्बैंड ने करा, इस दौरे तो फोन भी नहीं है इसका, तो फोन हमने दिया था उन्हें दिया भी नहीं। इसने अपनी जिठानी के और पति के नाजायज संबंध रिकॉर्ड कर लिया उसमें, इसके दौरे खोज कर वो तोड़ दिया। जब पाचना तो उन्होंने फोन दिवाया आम जवान की, कहा था भाई फिर तोड़ देंगे हम, हमारे पर भी नहीं लेगी। तो इसका रात ने फोन आया बोले वीडियो कॉल कर लियो, जब मार कही सुने इतनी तो जीभ ले कट रही छोरी की, हर नुकर करे या बोले नहीं, तो वह बोले इसका वो परा परा हो रहा, कदे पहले भी होया है मखमारी का, कदे पहले बुखार भी नहीं चढ़ा, मखा क्यों हो गया ऐसा, तो बोले पता नहीं क्यों हो गया, तो मखमारी छोरी ने रोत कहने लेकर आ जाओ हम भी। तो क्या कर दिया उन्होंने, जो परिवार है इसके ससुराल वाले हैं, क्या क्या वारदात करी इसके साथ? इसके साथ वारदात मारण की करी है जी, मारण की करी है वारदात इसकी गल्ले। और भी कुछ ए भाई जो इन्होंने बतानी आंदी के छाती, ये पुलिस स्टेशन लाखन माजरा की जो रिडक्शन में खरेटे गांव आता है, मोखरा गांव से 2017 में रोहतास ने अपनी बेटी की शादी वहां पे की थी खरेटे गांव में, जो इस संबंध में थाना लाखन माजरा में दहेज का मुकदमा दर्ज है, जिसकी वेरिफिकेशन के लिए आज दोनों पक्षों को बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई है, जिस संबंध में जो आईओ है उसको जो डायरेक्शंस हैं वो दे दी गई है और उसके मुताबिक अब आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह का शारीरिक उत्पीड़न भी हुआ है? दहेज के संबंध में जो शारीरिक उत्पीड़न हुआ है वो जब रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो उस मुकदमा में ऑलरेडी लगी हुई है। मेडिकल मेडिकल पहले जो MLR है वो कटी हुई है, और इस प्रकार जो उन्होंने कहा है कुछ कि भाई और ज़्यादा है, तो आज मैंने आईओ को डायरेक्शन दी है कि दोबारा भी एक बार डॉक्टर के पास ले जा करके, और अगर डॉक्टर उचित समझते हैं उनके अतिरिक्त और कोई इंजरीज हैं तो उसका भी मेडिकल कराया जाए। गिरफ्तारी के बारे में है, जैसे ही गिरफ्तारी के सबूत आएंगे अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी।